मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज IFMS पोर्टल का एक और वीडियो लेकर आए हैं। जैसा कि आप लोग प्लेलिस्ट में देख रहे होंगे, हमने IFMS पोर्टल की एक श्रृंखला शुरू की है जिसमें हमने रिसेंटली ये 3 वीडियो बनाए हैं। आज भी एक इम्पोर्टेंट वीडियो है, फॉरगेट पासवर्ड से संबंधित। दोस्तों काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही हैं हमारे पास कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। मान लीजिए एम्प्लॉय अपना पासवर्ड भूल गया है या उसको याद नहीं है और वो जो है उसको फिर से रीसेट करके नया पासवर्ड बनाना चाहता है, तो उसे करना क्या है। IFMS पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद दोस्तों आप यहां आएंगे और देखिए मेरा ऑलरेडी एक पासवर्ड डला हुआ है, मैं इसको यहां से हटा देता हूं। अब मैं एक नया पासवर्ड क्रिएट करता हूं फॉरगॉट पासवर्ड की मदद से। उसके लिए आपको आपकी यूज़र आईडी जो है याद होना चाहिए। इस यूज़र आईडी को जो है इसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी। अब हम दोस्तों फॉरगॉट पासवर्ड पर यहां क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन देगा, हिंदी इंग्लिश में आप इसको जैसे भी यूज़ करें। यहां हमें यूज़र आईडी डालनी है। यूज़र आईडी डालने के बाद दोस्तों इस यूज़र आईडी से संबंधित जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपका होगा वहां पर एक OTP जाने वाला है, तो हम यहां सबमिट करते हैं। सबमिट करते ही दोस्तों जो है OTP सेंड कर दिया गया है हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, और ये जो OTP आया है इस OTP को हम यहां पर इंसर्ट करेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर जो है OTP को इंसर्ट कर दिया है और हम यहाँ से इसको वेरीफाई करने वाले हैं। दोस्तों देखिए जैसे ही हमने वेरीफाई कर दिया है, अब आपको इस स्क्रीन पर जो है रुकना है, और इस स्क्रीन पर रुकने के बाद दोस्तों आपको इसका जो है एक फ़ोटो ले लेना है, या आप इसको कहीं और भी लिख कर रख सकते हैं। आप इसको जो है कॉपी करके भी दूसरी विंडो पर स्क्रीन पर हम कह सकते हैं लिख सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने मान लीजिए यहाँ से इसको कॉपी कर लिया है और मैं अभी इसको यहाँ पर एक नोट पेड में लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे जो है इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब दोस्तों मैं यहाँ से ओके करने वाला हूँ। ओके करते ही दोस्तों ये पैनल जो है ओपन हो गया है, ये लॉगिन पासवर्ड जो है। अब मुझे क्या करना है, जो पासवर्ड जिसका फ़ोटो हमने लिया है, जो हमने यहाँ पर लिखा है, इस पासवर्ड को जो है हम यहाँ से इस पासवर्ड के ऑप्शन पर लिख देते हैं। जैसे ही हमने ये पासवर्ड का ऑप्शन यहाँ पर फिल कर दिया है दोस्तों, जो हमें वहाँ से ऑटोमेटिक जो सिस्टम से जनरेट होकर मिलता है वह लिखने के बाद हम यहाँ पर कैप्चा कोड फिल कर रहे हैं, और कैप्चा कोड फिल करने के बाद हम यहाँ से दोस्तों लॉगिन करेंगे। अब आपकी ये सिंपल सी प्रोसेस ख़त्म हो गई है दोस्तों। यहाँ आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। मैं अभी यहाँ इस पासवर्ड को अपडेट नहीं करूँगा। मैं यहाँ नो थैंक्स पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ ओल्ड पासवर्ड मुझे डालना है, जो कि पासवर्ड मुझे अभी सिस्टम से जनरेट हुआ था वो मैंने यहाँ डाल दिया है। ये आप देख भी सकते हैं, ये पासवर्ड है, इसको मैंने यहाँ डाल दिया है। अब मुझे नया पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड कैसे बनाना है दोस्तों, ये इंस्ट्रक्शंस आपको लिख रहे हैं। जो भी कंप्यूटर पर काम कर रहा होगा, या आप जो है इसको पढ़ सकते हैं, 8 से 16 कह सकते हैं कैरेक्टर्स होने चाहिए, स्पेशल, नंबर, कैपिटल, और इन सभी चीज़ों का, और इन चीज़ों का दोस्तों यूज़ नहीं होना है, जिसमें कॉमा और अंडरलाइन, स्कोर, और ये जो हैशटैग है इसका यूज़ नहीं करना है। तो मैं दोस्तों अब जो है पासवर्ड यहाँ क्रिएट कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों मैंने पासवर्ड बना लिया है। ये आपको यहाँ पर पैरामीटर भी दिखा रहा है, ये मीडियम और स्ट्रॉन्ग जिस तरीके से लिखा आ रहा है। तो दोस्तों इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका पासवर्ड जो है किस तरीके से बना है। तो हम यहाँ से आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाकर दिखाते हैं। हम यहाँ पर स्मॉल, कैपिटल, सभी तरीके के नंबर्स को जो है लिख रहे हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ स्ट्रॉन्ग लिखा आ गया है। अब मुझे सिमिलर यहाँ पर लिखना होगा जो मैंने पासवर्ड बनाया है। ये देखिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मैंने बना दिया है दोस्तों। अब मुझे यहाँ से इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद दोस्तों ये पासवर्ड मेरा सक्सेसफुली जो है यहाँ से बन चुका है। मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। अब मैंने इसको यहाँ सेव कर लिया है। मैं यहाँ पर दोस्तों इसको लॉगआउट करूँगा। लॉगआउट करने के बाद हमें करना क्या है, हमें सिंपल सा जो है लॉगिन कर देना है फिर से, और लॉगिन करने के बाद अब जो हमने नया पासवर्ड बनाया है उस पासवर्ड से हम जो है IFMS के पोर्टल पर लॉगिन होकर देखते हैं कि हमारा पासवर्ड सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपको बस दोस्तों मैंने ये जो वीडियो में आपको चीज़ें बताई हैं इसको आपको फॉलो करना है। आप इसको जैसे ही फॉलो करेंगे तो आपके जो पासवर्ड से संबंधित परेशानी आ रही है वो जो है
दूर हो जाएगी। देखिए दोस्तों, पासवर्ड हमने क्योंकि सेव कर लिया था, यहाँ पासवर्ड डालने के बाद हमने लॉगिन किया और देखिए ये लॉगिन होकर दोस्तों हमारे पोर्टल की इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की विंडो ओपन हो गई है। ये सभी ऑप्शंस आपके आगे जो है ओपन हो गए हैं। अब जो है आप जो भी काम आपका करना चाहते हैं उसको आप यहां से इजीली कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। किस तरीके से पासवर्ड को रीसेट किया जाना है, किस तरीके से फॉरगॉट करने के बाद नया पासवर्ड बनाना है, ये समझ आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।